लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे, कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते, दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं। संजय सिंह को लेकर कोर्ट से आई बड़ी खबर, मचा बवाल। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार 4 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया। बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आज अदालत में कहा गया कि उन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ना तो नोटिस और ना ही समन भेजे गए थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रही है। वहीं 5 दिन की ईडी रिमांड मिलने पर कोर्ट से बाहर जाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी के नौकर से हम डरते नहीं हैं। जितना जिसको अत्याचार जुल्म करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे झूठ और बेबुनियाद आरोप हैं, हम डरते नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब आप सांसद 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को पेश करते हुए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे झूठे केस लगाए गए हैं, झूठे जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी और सरकार का भी टाइम खराब होता है, सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा, झूठे झूठे केस में फंसा फंसा कर देश तरक्की नहीं करेगा। ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ हैं, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे, कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते, दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको, केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको, ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी एजेंसी, इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी, ये क्या चल रहा है देश के अंदर। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।